कच्ची सब्जियां खाने से उसके अंदर जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को मिलते हैं, लेकिन जब हम सब्जी को पकाते हैं तो कुछ मिनरल्स और विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो आज एक ऐसा सलाद बनाएंगे जिसे हम सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि उसके मिनरल्स और विटामिन बरकरार रहे। इसमें हम डालेंगे पत्ता गोभी और गाजर। पत्ता गोभी खाने से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर कम होता है और गाजर हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक पत्ता गोभी और एक गाजर। इन दोनों को हमने इस तरीके से काट लिया है। पत्ता गोभी को हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना है और गाजर को हमने इस तरीके से लंबा काट लिया है। इस सलाद को हम काफ़ी कम तेल में बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 3 चम्मच रिफाइन ऑयल। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच ज़ीरा। ज़ीरा ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो पत्ता गोभी में सिर्फ ज़ीरा का ही टेस्ट आएगा। जब ये ब्राउन हो जाए तब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ पत्ता गोभी और गाजर। गैस की फ्लेम को एकदम कम रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। पत्ता गोभी को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए हम इसे सॉटे करेंगे। 2 मिनट के बाद अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, ज़रा सी हल्दी ताकि पत्ता गोभी का हरा रंग बरकरार रहे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आखिरी में डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। बस इसे 1-2 मिनट के लिए और पकाएंगे। हमारा पत्ता गोभी और गाजर का सलाद बनकर रेडी है। बस इस बात का ध्यान रखें कि पत्ता गोभी को सब्जी की तरह ज़्यादा नहीं पकाएं। ये सलाद है तो ये थोड़ा कच्चा ही रहेगा और सच में इसी से इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये हेल्दी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।